नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। इस ठंड के मौसम में बिहार में सियासी तापमान गर्मा गया है क्योंकि नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े एक कह सकते हैं एक मकसद माने जा रहे हैं। दरअसल आज सुबह से बिहार में कई उथल पुथल और कई तरीके की खबरें सामने आई। सुबह सबसे पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई, वो सिर्फ 15 मिनट की हुई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे से बात नहीं करी। कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ करी तो वहीं परिवारवाद पर निशाना साध दिया, जिसके बाद लालू की बेटी रोहिणी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा। हालांकि बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, जिसके बाद अब सवाल कई तरीके के हैं। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये, क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? क्या एनडीए का दामन फिर से थामेंगे नीतीश कुमार? और आने वाले 48 घंटे बिहार की सियासत के लिए क्यों अहम है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस टाइम जो बिहार की राजनीति में चल रहा है वो यही है, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने की कगार पे हैं? क्योंकि जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं और जिस तरीके की पिछले 2-3 दिन से बिहार में हलचल है, उसको देखकर क्या लगता है आपको? नहीं, संकेत तो साफ दिख रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने जब कल प्रधानमंत्री जी को बजाते कहा कि रामनाथ ठाकुर जी को तो फोन आया, लेकिन मुझे तो फोन नहीं आया है, लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से उनको बधाई देता हूं कि जो 7-8 बार से जो मैं प्रस्ताव लगातार केंद्र को भेज रहा था 2007 के बाद, तो कांग्रेस ने तो हमारी बात नहीं सुनी और सरकारों ने तो बात नहीं सुनी, लेकिन आपने हमारी बात सुन ली। इसके लिए बिहार वासियों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक संकेत में चीजें तो आ गई थी। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जिस जननायक को ये सम्मान मिला, भारत रत्न का, उन्होंने कभी परिवार और परिवारवाद नहीं किया, कभी उन्होंने परिवारवाद को बढ़ाया नहीं। और मैं भी उन्हीं का वाहक, मैंने भी अपने परिवार को कभी कोई तरजीह नहीं दी। तो ये बात को लेकर के काफी तालियां बजी और उन्होंने कहा कि इनके बेटे रामनाथ ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनके जीवन काल में, कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन काल में उन्होंने कभी किसी परिवार के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। मैं उनकी मृत्यु के बाद मैंने इनको मंत्रिमंडल में जगह दी, राज्यसभा में भेजा या सक्रिय राजनीति में मैं लाया। तो ये बात कहीं ना कहीं से उस दूसरे खेमे में, जो इनके जो पार्टनर अभी सरकार में है, राजद खेमे में लगा कि कहीं ये लालू प्रसाद को इंगित करके तो नहीं बोला जा रहा है। और आज रोहिणी आचार्य जी का जो ट्वीट आया और उस ट्वीट में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बड़े तीखे शब्द थे। और बाद में जो जानकारी मेरी है कि लालू प्रसाद जी के कहने पर उस ट्वीट को हटाया गया। तो ये जो चीजें जो चल रही थी, इसके बाद जो तीसरी घटना का जो एक थोड़ा दृश्य दिखा, वो दिखा कैबिनेट की बैठक का, कि मात्र 15 मिनट में ही कैबिनेट की बैठक निपटा दी गई, चाय नाश्ते भी वहां नहीं हुए और संवादहीनता की स्थिति बनी रही, सारे लोग गंभीरता उड़े रहे और 15 मिनट में ही कैबिनेट की बैठक को निपटा करके और लोग निकल गए। और फिर जिस तरह से लालू प्रसाद जी के आवास पर गहमा गहमी दिखी रही है, सारे वरिष्ठ नेताओं को बुला दिया गया है, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है उनके आवास पर संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है, ललन सिंह जो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग बने हुए हैं। सम्राट चौधरी जी को दिल्ली तलब कर लिया गया है, अश्विनी चौबे जी को दिल्ली तलब कर लिया गया है, 6:30 बजे की टाइमिंग मुकर्रर की गई है अमित शाह जी से मिलने के लिए। तो आनन फानन में ये चीजें नहीं हुई, पहले से चीजें कुछ चल रही थी। त्वरित स्थिति ये हुई कि कल जब कर्पूरी जयंती के अवसर पर जब ये बोलते हैं परिवारवाद को लेकर के, ये बात शायद लालू परिवार को अच्छा नहीं लगा। और रोहिणी आचार्य जी का जो ट्वीट आया, इसने कहते हैं ना कि आग में कभी कभी घी का काम कर जाना,
ये आग में घी का काम किया है, अभी तो सरकार है, लेकिन जिस तरह से तनातनी चल रही है, भाजपा की सक्रियता बढ़ गई है, सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब कर लिया गया है, इससे लगता नहीं है कि सब कुछ सामान्य है। बस 2-3 घंटों में कुछ इसके जो रिफ्लेक्शंस है वो साफ साफ दिखने लगेंगे। आपने परिवारवाद की बात करी, तो क्या लगता है आपको जो कल हुआ, जो आज हुआ, कैबिनेट की मीटिंग में तेजस्वी और नीतीश की बिल्कुल बातचीत नहीं हुई, परिवारवाद पर निशाना, उसके बाद रालू की बेटी कल नीतीश पर निशाना, तो क्या आरजेडी से रार बढ़ गई है नीतीश कुमार की? नहीं, वो तो दिखा था उस दिन जब 25,000 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र बांट रहे थे गांधी मैदान में, और इन्होंने कहा था कि ये जो नियुक्तियां हो रही है बिहार में, जो रिक्तियां भरी जा रही है शिक्षकों को या और दूसरे विभाग में, ये हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है, हमारी प्रतिबद्धता है और उसके तहत हम ये बांट रहे हैं। दूसरे दिन आरजेडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था और कहे कि नहीं नहीं ये तो 15 महीने का तेजस्वी जी का जो प्रभाव है उसकी वजह से नौकरियों की बहार बिहार में आई हुई है। तो चीजें तो चल ही रही थी, कि इनके सुनील सिंह एमएलसी हैं आरजेडी के, वो सुनील सिंह ने आकर के ट्वीट किया था व्यंग में ही कि डिंग कोई हाँक ले, लेकिन ये तो नौकरियां जो हैं वो तो तेजस्वी जी के वजह से ही लोगों को मिल रही है, या शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तो उन्हीं की वजह से मिल रही है। तो इस तरह की चीजें तो पहले चल ही रही थी। हाँ, कल वो कॉन्टेक्स्ट था जिसमें वास्तव में जिस कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, एक ईमानदार, एक सादगी से जीने वाला नेता, कोई किसी भी तरह का परिवारवाद का आरोप नहीं, परिवार के लोगों को भाई भतीजावाद का कोई आरोप नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये जरूर उन्होंने बोला कि भाई आज के लोग जो हैं वो तो बस परिवार को ही नेता बनाने में लगे रहते हैं, परिवार को ही आगे बढ़ाने में रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने तो कभी परिवार को तरजीह नहीं दी। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी कहीं किन्हीं को इंगित करके ही इशारा करके बोल रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने बारे में ये कहा कि लोग बात जरूर कर्पूरी ठाकुर की करते हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते हैं। मैं तो अनुसरण भी करता हूं कि मैंने भी राजनीति में अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। और कल तो और भी दिलचस्प था कि जब गठबंधन की सरकार चल रही है तो आरजेडी पार्टी अलग कर्पूरी जयंती मना रही थी और जेडीयू अलग कर्पूरी जयंती मना रही थी। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आरजेडी मना रही थी जहां तेजस्वी जी और लालू प्रसाद जी थे, और यहाँ पर वेटनरी कॉलेज के मैदान में नीतीश कुमार जी मना रहे थे। तो खैर, मंचों से इस तरह की बातें होते रहती हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य जी का ये ट्वीट करना और जिस बदतमीजी शब्द का प्रयोग करना, ये सारे चीजों को शायद नीतीश कुमार जी ने पता करवाया कि क्या ये रोहिणी आचार्य का ही ट्वीट है, और बाद में लालू जी के कहने पर वो ट्वीट को हटाया गया, तो खटास तो बढ़ गई है। अब उसके परिणाम क्या होते हैं, फलसफा क्या होते हैं, ये तो देखने को कुछ समय के बाद मिलेगा हम लोगों को। क्या लगता है आपको अब इंडिया अलायंस का आगे क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो शुरू से इंडिया अलायंस के सूत्रधार माने जा रहे थे, उन्हीं ने नींव रखी थी, सबसे पहली बैठक पटना में हुई। क्या जेडीयू अलग हो जाएगी, क्योंकि टीएमसी और आप जो है बिल्कुल अपना अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि वो पंजाब में और वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी बिना किसी गठबंधन के, तो क्या ये चुनाव होने से पहले इंडिया गठबंधन जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि आज जिस तरीके के हमें बिहार से और नीतीश कुमार की तरफ से संकेत देखने को मिले हैं? देखिए, इस गठबंधन का नाम इंडिया रखी थी ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी अलग हो गई, जो नाम रखा वही अलग हो गई, कही कि 42 सीट पर हम लड़ेंगे और ठीक है पोस्ट पोल अलायंस में देखा जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। 13-0 की बात पंजाब में लोग कर गए, भगवंत मान कह गए ना कि भाई हम 13 से हम कम पर नहीं, तो 13 ही सीटें हैं तो 13 पर वो लड़ेंगे, तो वो तो आप पार्टी भी एक तरह से निकल ही गई। नीतीश कुमार जी जिस तरह से कांग्रेस से दूरी बना ली, राहुल गांधी की पदयात्रा बिहार के 4 जिलों से होकर के गुजर रही है, वो जो कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, और पूर्णिया में एक सभा होने वाली थी, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह और शकील अहमद खान, वो निमंत्रण देने गए थे। कांग्रेस नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि नहीं नहीं लालू और नीतीश कुमार दोनों उस रैली में राहुल गांधी के साथ पूर्णिया में शिरकत करेंगे। खालिद अनवर जो इनके एमएलसी हैं उन्होंने कहा कि नहीं,
नीतीश कुमार जी उस रैली में नहीं जा रहे हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार के दौरे को स्थगित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का पहला दौरा था बिहार में, वो माना गया था कि ये बेतिया से चुनाव का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे बिहार से, उसको उन्होंने स्थगित किया। फिर 27 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई, 27 तारीख को स्थगित किया गया, फिर 4 फरवरी को रखा गया है कि तब तक कोई गठबंधन का स्वरूप दिख जाए। और आज नीतीश कुमार जी की भी पार्टी ने जो झारखंड में रामगढ़ में रखी थी रैली, उसको भी स्थगित कर दिया। तो जब आपस में आने की बात चल रही है तो रैलियां स्थगित हो रही है ताकि गठबंधन का स्वरूप जब बदल जाए तो फिर उस तरीके से एक लाइन लेने में हमें सुविधा होगी, उस तरह के हम बोलेंगे, उस तरह की हमारी बयानबाजियां होगी, उस तरह का हम प्रतिक्रिया देंगे, इसको लेकर के भी चीजें स्पष्ट हो गई है। तो लगता है कि अब ये लोग नजदीक आएंगे, तेवर तो वही दिख रहे हैं। अब देखिए क्या ये गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन जैसी अब कोई चीज तो दिख नहीं रही है, क्योंकि हिंदी पट्टी के एक बड़े कद्दावर नेता जिन्होंने सबसे पहले पटना में ईमानदार कोशिश करके 15 दलों को बिठाया, तो नीतीश कुमार जी की गतिविधियां समझ में आ ही रही है। ममता बनर्जी अलग ही हो गई, आपने अपना रुख स्पष्ट ही कर दिया गया। तो हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस के साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि सबकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि सीट शेयरिंग पर उनको कोई भाव नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों ने आग्रह किया था कि हमें भी 8-10 सीटें दे दीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी ने तो कहा था कि जो हमारा वहां प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का जेडीयू का, एक साझा उम्मीदवार के तौर पर ही लड़ा दीजिए, कांग्रेस उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। तो नीतीश कुमार की नाराजगी तो साफ साफ है। और अखिलेश जी जो है समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं सबको पता है कि कांग्रेस क्या बोली है उनके बारे में और ये कांग्रेस के बारे में क्या बोले हैं। तो इंडिया गठबंधन का कोई स्वरूप अब मजबूत होता हुआ तो नहीं दिखता है, बिखरता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है आपको, अगर इंडिया गठबंधन बिखरता है तो कांग्रेस कैसे जो डैमेज हुआ है इसको कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि 26 से 28 दल शामिल थे, हालांकि सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई, संयोजक कोई बात नहीं हुई, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा था नीतीश कुमार नाराज हैं। तो क्या लगता है कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी कांग्रेस की आने वाले दिनों में? देखिए जब गठबंधन बनता है तो गठबंधन का एक कोऑर्डिनेटर तो होता ही है ना। जब एनडीए गठबंधन भी बना था तो उसमें जोर साहब को, शरद यादव को एक संयोजक की जिम्मेवारी दी गई थी, और खास करके जो छोटे दल होते हैं और जिनका सारे लोगों के साथ एक संबंध होता है वैसे व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाती है। तो अगर गठबंधन में कोई छोटे पार्टियों को कोई जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है तो कांग्रेस लड़ने के लिए स्वतंत्र है, कांग्रेस लड़े अपने तरीके से। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि जब ये क्षेत्रीय पार्टियां अगर उनके साथ होती तो उनकी ताकत महत्वपूर्ण होती, जिसके फॉर्मूला पर शुरू में बात की जा रही थी कि हमने 400 सीटों को चिन्हित किया है और हर एनडीए के एक उम्मीदवार के खिलाफ हमारा एक समन्वित उम्मीदवार होगा, एक ही उम्मीदवार होगा जो सर्वसम्मति से होगा और हम मजबूती से चुनौती देंगे। त्याग की बात की गई थी कि क्षेत्रीय पार्टियां जहां मजबूत होगी वो कांग्रेस के लिए त्याग करेगी, जहां कांग्रेस मजबूत होगी वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए त्याग करेगी, इस तरह की बात की गई थी। लेकिन अब तो क्षेत्रीय पार्टियां अगर अपना अपना राग अलाप रही है, वैसी स्थिति में तो कांग्रेस के सामने एक चुनौती है। राहुल जी अभी यात्रा पर है, जानकारी मिली है कि शायद अभी वो दिल्ली लौट गए हैं यात्रा से बीच से ही। तो अब कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी रणनीति बनाती है कांग्रेस, ये तो वक्त बताएगा, देखना होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस की जिम्मेवारी अब कुछ और अधिक बढ़ गई, जब क्षेत्रीय पार्टियां अपने तरीके से लड़ेंगी तो कांग्रेस को तो और मजबूती से चुनौती देने के लिए रणनीति बदलनी होगी और रणनीति बनानी भी होगी। संजय जी एक आखिरी सवाल, अगर इन केस एनडीए में नीतीश कुमार जाते हैं तो सीटों का गणित क्या होगा? देखिए सीटों के गणित में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ समझौता कर लेगी, चूंकि उनको 40 सीटें चाहिए बिहार की। पिछली बार भी अपनी जीती हुई 5 सीटें वो नीतीश कुमार को दे दिए थे, 22 सीटों पर जीती थी
भारतीय जनता पार्टी, और फिर जब नीतीश कुमार जी से समझौता हुआ तो 17-17 सीटों पर वो लड़े। तो अगर इस बार भी लगेगा कि हमको ईबीसी का वोट चाहिए, लौकुश समीकरण हमको चाहिए, हमको दलित वोट चाहिए और नीतीश कुमार जैसा एक चेहरा चाहिए, तो सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत जीत नहीं करेगी। वो कुछ कम सीटों पर लड़ लेगी, लेकिन लगेगा कि अगर ये जीतते हैं तो हमारे अलायंस में है तो हमारी सरकार बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्लस एक हम लाभ ये भी लेंगे कि भाई देखिए, जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, जब इंडिया गठबंधन उन्हीं को नहीं रख पाई तो बाकी इस गठबंधन का क्या भविष्य है और क्या ही है। इसका माइलेज वो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए लेने की कोशिश करेगी और खास करके भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसका इशारा नीतीश ही है। अमित शाह बिहार की सभाओं में कर चुके थे कि भाई वो पानी और तेल का रिश्ता नहीं रह सकता है, नीतीश कुमार तो पानी है, वो तेल के साथ चले गए हैं, लेकिन क्या पानी और तेल कभी मिक्स हुआ है? ये कहेंगे कि हमारा नेचुरल अलायंस है। तो सीटों को लेकर के 16 सीटें जीती हुई है जेडीयू, दबाव बनाएगी जेडीयू की, कम से कम 16 तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन अगर 15 सीटें भी मिल जाती है तो नीतीश कुमार जी भी लड़ लेंगे, क्योंकि इनको केंद्र में सरकार नहीं बनानी है, केंद्र में सरकार बनानी है बीजेपी को। राज्य में वो चाहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो जाए, और अभी ही ये भी फैसला हो जाए कि बिहार में वो कितनी सीटों पर राज्य में, अगर ये तैयार हो जाती है भारतीय जनता पार्टी कि ठीक है असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया जाए और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ ही करा लिया जाए, तो उस पर ये जरूर बार्गेन करेंगे कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, आप इतनी सीटों पर लड़िए। और जब राम मंदिर का एक माहौल है, मोदी का एक लहर है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिली है, उस स्थिति में अगर वो लड़ते हैं तो उसका फायदा उनको मिलेगा। तो विधानसभा में क्या इनकी हिस्सेदारी होती है ये देखने वाली बात होगी, और इसी के आधार पर हम समझते हैं कि कोई ना कोई निर्णय ये लोग लेंगे। लेकिन जरा पहले तस्वीर तो बदलने दीजिए, जब तस्वीर बदल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी सीटों को लेकर के हमें नहीं लगता है कि बहुत कुछ जीत करेगी, इनको कंफर्टेबल सीट देगी कि आप लड़िए, लेकिन आप हमारे साथ लड़िए, क्योंकि वो बिहार को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहती है। यहाँ की 40 सीटें उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सीटों को लेकर के कोई बहुत परेशानी लोगों के बीच में नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 48 घंटे बिहार की सियासत के लिए क्या नई तस्वीर लेकर आते हैं और क्या सच में नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड। धन्यवाद।